ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हम एंटर करेंगे ई डू एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड पंजाब 2021, यहाँ क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ क्लिक करने पर आपके सामने पांच रीडिंग ऑप्शंस आ जाएंगी। एप्लीकेंट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर इंफॉर्मेशन मेंशन इन द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, आपको पढ़ी होनी चाहिए कॉरिडम, ओके, बिफोर प्रोसीडिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगी, फिर एप्लीकेशन फॉर्म होगा। एप्लीकेंट मस्ट गिव हिज और हर ईमेल आईडी, अपना होगा, अपने स्पाउस का, अपने ब्रदर सिस्टर फादर मदर इनका नहीं होना, अपना मोबाइल नंबर, ओके। दिस विल बी यूज्ड फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस, अगर उन्होंने आपसे कोई बात करनी है। ओटीपी विल बी सेंट टू एप्लीकेंट्स ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, दोनों पर ही भेजा जाएगा। आप ईमेल आईडी अपनी फिल करते हो, वहां क्लिक करते हो, आगे जाके बताता हूं इमीडिएट। इसलिए आप पहले अपनी ईमेल आईडी बेशक खोल के रखें, मोबाइल नंबर यहां पर टेक्स्ट मैसेज आता है वो ओपन करके रखें। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ, उसकी वेरिफिकेशन होगी, कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड एट द पोर्टल, ओके। अभी करके बताता हूं। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट हैज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म विद करेक्ट पर्टिकुलर्स, ये बार बार कहा जाता रहा है। टू रजिस्टर एंड स्टार्ट फिल एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हियर। ये देखिए, आपने यहां जाना है। सबसे पहले आपका पूछा होगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ऑप्शन दी गई है, यहां एरो है, ये देखिए यहां से ये एरो है, यहाँ क्लिक करते हैं। आप अपना एजुकेशन, मैंने अपना आइडेंटिफाई किया जिसमें मेरा यूजीसी नेट क्लियर है, जहाँ जिसमें मैं एलिजिबल हूँ, साइकोलॉजी का भी फिल कर सकता हूँ, कोई और भी जिसमें भी मैं एलिजिबल हूँ, वो हो गया। अच्छा, अपना नाम हो गया, ये तो आपको पता ही होगा। मेल क्लिक यहाँ करना है बस, ओके। फिर मोबाइल नंबर अपना एंटर किया, ठीक, चेक कर लेना है मोबाइल नंबर ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल, ये मैं एक्टिवेट कर चुका हूं। सेंड ओटीपी ऑन मोबाइल को जब मैंने क्लिक किया तो मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया, मैंने पहले से ही रेडी रखा था। ओटीपी क्या आया ये आपको सब कुछ शेयर कर रहा हूं, 8003, ओके, फिल हो गया। मोबाइल ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। अगर आप चेंज करना चाहते हो फिर मोबाइल नंबर, तो रीसेट आप फिर कर सकते हो, यहाँ चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, ईमेल आईडी drtirathsinh20@gmail.com, मैंने अपनी आईडी फिल की। फिर सेंड टू, सेंड ओटीपी ऑन ईमेल, यहाँ क्लिक किया, मैंने ईमेल पहले से ही खोल के रखी हुई है अपनी, तो वहाँ से अपना जो भी ओटीपी आया यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद आपने पासवर्ड रखना है, ये याद रखना है कि ये पासवर्ड आप किसी डायरी में रख रहे, फॉर एग्जांपल इसके लिए पासवर्ड के लिए एरर देगा अगर आपका ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पहले मैंने क्या रखा है, टी बड़ी है, ओके, फिर आई एन डी ए, कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, मैंने जैसे टिंडा ही रख लिया, तो एक कैपिटल लेटर की डिमांड करते हैं, मिनिमम वन स्मॉल लेटर भी हो, और आपका के ए डी यू टिंडा कद्दू ओके, कोई डिजिट चाहिए इनको, एक एक मैंने फिल कर दिया, और कोई इनको चाहिए के जो और कोई वर्ड जिसमें मैं पहले गलत फिल करता हूं, आपको पास ये इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, ये वन ओके। तो अब मैंने ये किया, तो ये लिखा है मिनिमम 8 करेक्टर चाहिए, मैक्सिमम 15 करेक्टर्स चाहिए, ओके। यहां पर ये दिया हुआ है, ये देखेंगे, एक प्लस कर दिया और साथ में क्या कर दिया, प्लस, मैं इसको वेरीफाई, रीटाइप पासवर्ड यहां पर वेरीफाई करना कि आपको याद है, मैं फिर करने लगा हूं बोलकर, टी बड़ी है मेरी, टी और बाकी छोटे हैं, आई एन डी ए के ए डी यू, ओके, मैंने टिंडा कद्दू रखा है,
टिंडा कद्दू यहां पर आ गया वन एक और फिर कर दिया प्लस। ठीक है, तो आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट एंड गॉन थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इतने दिनों से यही कर रहे हैं। चलो इनको टिक कर दिया, अब मैं सबमिट करने जा रहा हूं। ओके, तो जो पासवर्ड है उसमें अपर केस भी एक चाहिए, लोअर भी केस चाहिए और एक डिजिट भी चाहिए और एक यूनिक। सेव पासवर्ड तीरथ सिंह। ओके, मैंने ये पासवर्ड चलो कर लिया सेव। योर प्री रजिस्ट्रेशन डाटा फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिक्रूटमेंट पोर्टल हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैं नोट कर लूंगा, रजिस्ट्रेशन नंबर इसका प्रिंट ले लूंगा, ये मैंने पहले भी बताया था। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखी है, आपको आपका टाइम बच जाए सिर्फ इसलिए। ये देखिए मैंने जब सेव करके रखा है, मैंने कहाँ पर जाना है, लॉगिन पर, ये गया लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ सिक्स डिजिट वाला रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी जो मैंने मेरा जनरेट हुआ हुआ है वो मैं फिल करूंगा। मेरा नंबर है 601041। ओके, तो पासवर्ड फिल करना है, मैंने रखा है पासवर्ड, ये सेव ही लगता है ये। ठीक है, पासवर्ड है मेरा है, मैं क्यों बताऊं, ये फिल 8EEB0B 8E small ओके, B small 0 0 B, ये ओपन करने के लिए है। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, मैंने दोबारा फिर ओपन करके एडिट करना है, अभी मैंने फॉर्म सबमिट नहीं करवाया है। ठीक, उसके लिए ये आपको दोबारा से लॉगिन ऐसे करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया लॉगिन, और ये मेरे जो ऑलरेडी मैंने रजिस्टर्ड करवा रखा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेव पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है यहां पर, ये सारा पहले से फिल कर रखा है कि जो इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा बड़ा करेंगे अब दिखाई देता होगा आपको, ये ठीक है, नहीं ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। मैंने फुल नाम पहले जो फॉर्म दिखाया था, तीरथ सिंह, सब्जेक्ट एजुकेशन 19, कोड जेंडर मेल, मोबाइल नंबर ओके फिल कर दिया है, ईमेल अपना फिल कर दिया है, अपलोड और चेंज फोटोग्राफ जेपीजी फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज अलाउड 100KB। यहां पर आप क्लिक करते हो, ठीक, तो जैसे मैंने ये फाइल, मान लीजिए यहाँ आपकी फोटो पड़ी है, जहां डेस्कटॉप पर आपकी फोटो जहां भी पड़ी है, आप फोटो को क्लिक करोगे, ये वाली आपकी फोटो है, यहाँ ओपन, तो यहां पर फोटो ओपन हो गई, और इस तरफ आप इसको छोटा करके देखो, ये आ गई फोटो, आपकी यहां फोटो लग जाएगी। ठीक, इसका साइज जो है 10KB से, किलोबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की नहीं लगानी है, आपने अपनी लगानी है, मैं यहां लगा के आपको बता रहा हूं। ठीक है, फादर्स नेम आपने अपना फिल कर लेना है, कुछ बताने की बात नहीं है, मदर्स नेम है, एड्रेस है, फिल कर लेना है पूरा। ओके, मैक्सिमम लिमिट दी गई है 250 कैरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां पर है, थोड़ा छोटा करके देखेंगे यहां पर, के क्लिक हियर इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो ऊपर एड्रेस दिया गया है, अगर वहां पर ही वो आपसे पत्र व्यवहार करें जो बात करनी है, तो आप यहां क्लिक कर दीजिए, यहां क्लिक होने से वो यहां सेम आ जाएगा। ठीक है, आगे ऑप्शन क्या है, वेदर यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ पंजाब और अदर स्टेट, ये ऑप्शन आ गई, ये मैंने पंजाब कर दिया। सिटी कौन सी है, आपने यहां ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी यहां ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है आप जो भी सिटी है पंजाब की, आप वो क्लिक कर दिए, मैंने जलंधर कर दिया। पिन कोड आप फिल करोगे, नेशनलिटी ऑप्शन आती है, ये आ रही ऑप्शन, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, आप जो भी ऑप्शन आपकी है, सिटीजन ऑफ इंडिया मैंने फिल कर दिया है। आधार नंबर ऑप्शनल है, आपको फिल करना जरूरी नहीं है, आप फिल कर सकते हो यहां पर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, के टाइम पर आपको हर हालत में आधार कार्ड जमा करवाना होगा, ये बात जरूरी है। ओके,
देन कैटेगरी आ गई, कैटेगरी यहां से फिल की जनरल ऑप्शन है, एरो को क्लिक करोगे ऑप्शन आएगी। ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना है, वेदर यू हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी, क्योंकि बड़ी क्वारी ये आई थी, और इक्वलेंट एज पर कंडीशन गिवन इन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, मैंने की हुई है, मैंने यस को क्लिक कर दिया। नेक्स्ट है वेदर यू आर एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर आपने बताना है वेदर यू आर विडो और डिवोर्सी वुमेन बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ पंजाब। ओके, नो, मैंने नो फिल किया है, आप अपनी कंडीशन के मुताबिक फिल करोगे। अच्छा, whether you are ex military person and eligible for a relaxation of upper age limit as per condition given in the advertisement, मैं no था, मैंने no click कर दिया। ठीक है, whether you are working as part time guest faculty contractual in government colleges, ठीक है, ये था employee in government and central, ये वाला भी जैसे नो है, मैं इसको यस करूंगा आगे, क्योंकि आपको बताना है कि पार्ट टाइम गेस्ट का टीचिंग एक्सपीरियंस जो फिल होना है वो इस ऑप्शन पर अगर आपने क्लिक किया है तो वो फिल होगा, या अगर नो पर क्लिक किया है तो वो फिल नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ आप ऑप्शन है जो भी है, 1 जनवरी 1990 जो भी आपका है वो आप फिल कर दोगे, ईजी है। प्लेस ऑफ बर्थ आपने लिखना है, टाइप करना है, यहाँ जलंधर मैंने कर दिया। एज कैलकुलेट कर लेनी है, फॉर एग्जांपल कितने इयर्स, कितने मंथ्स और कितने डेज हैं वो फिल कर दिए। आपका मैरिटल स्टेटस मैंने फिल कर दिया है, अनमैरिड। ओके, क्योंकि मैरिड और अनमैरिड की वो बाद में बनता है, अगर एससी कैटेगरी के हो आप तो आपको हस्बैंड का जो नाम ऊपर चाहिए, दूसरा आपको अपने फादर का नाम के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होंगे, और फादर के कास्ट का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, कौन, जो एससी या बीसी कैटेगरी के मैरिड वुमेन है। ठीक, तो एक और क्वेश्चन था कि जिनकी मैरिज हो चुकी है और बाद में उनकी कास्ट चेंज हो गई है या नाम चेंज हो गया है, वो किस पर, किसके बेस पर वो फिल करेंगे, मैरिज के बाद वाले नाम पर या पहले वाले साहब। मैंने एक एडवोकेट साहब से बात की थी, उन्होंने सीधा मुझे बताया कि जिन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में जो डीएमसी पर डिग्री पर नाम लिखे हैं उन पर ही आप अप्लाई करोगे, और बाद वाले अगर कोई डॉक्यूमेंट हैं तो आपको एक एफिडेविट देना होगा जिसमें ये बताना होगा कि ये XYZ दोनों पर्सन के ये नाम जो सेम है। ठीक है, वो इजीली हो जाता है, एफिडेविट जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी, वर यू एवर प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड। प्रोसिक्यूटेड का मतलब है कि आप पर कोई क्राइम का केस चल रहा है, आप पर कोई दोष या चार्जशीट लगी है। कन्विक्टेड मीन के कोर्ट ने आपको दोषी ठहरा दिया है। ठीक है, नो यस फिल करोगे तो आपकी जॉब गई। मतलब ये आप इस तरफ मॉरेलिटी के इस आस्पेक्ट पर होने चाहिए, आपने इमोरल कुछ नहीं किया। आर यू इन रिसिप्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ पेंशन, ले रहे हो तो यस, अगर नो, आर यू ए डिसमिस्ड एम्प्लॉय, ओके, मैंने तो नो है, मुझे तो किया नहीं आज तक। वर यू एवर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम अपेयरिंग इन एनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी वर्क, कोई काम जो किया है आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, आपको डिसक्वालिफाई, जहां कोई एग्जाम यूनिवर्सिटी का देने के लिए आपको डिसक्वालिफाई तो नहीं किया है ना, तो यहां नो। इसके बाद में आप यहां पर करोगे सेव एंड नेक्स्ट, ये आपके डॉक्यूमेंट सेव हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपकी खुल गई है, ये सारा सेव हुआ आपके सामने आएगा, आप रीरीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपने फिल करना है इसके आगे ये है, ये ऑप्शन आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी चाहिए, मैं भी पढ़ के सुना देता हूं। ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिकुलेशन का भी फिल करना है आपने, ग्रेजुएशन का भी फिल करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी, उससे हायर का एमफिल है, पीएचडी है, सारे फिल करने हैं ऑर्डर वाइज, मैंने फिल करके रखे हुए हैं। इन केस पीएचडी कैंडिडेट वी हैव टू फर्निश द डॉक्यूमेंट एज पर यूजीसी गाइडलाइन 2000
नो, ये बात पिछले वीडियो में जो एलिजिबिलिटी वाला वीडियो था, एक पीछे वीडियो है, मैं मुझे नंबर याद नहीं है वीडियो नंबर, उसमें डिटेल में बताया गया है कि जो यूजीसी की 5 या 6 कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं, कि पेपर किस में पब्लिश हुआ होना चाहिए, जो मुझे याद है मैं बता देता हूँ, पेपर जो रेफरीड जर्नल में एक कम से कम आपके पीएचडी में से पब्लिश हुआ होना चाहिए, दूसरा किसी और जर्नल में, दोनों का प्रूफ चाहिए, इसके अलावा ओपन वाइवा चाहिए आपका हुआ होना चाहिए, 2 कॉन्फ्रेंस जो किसी नेशनल बॉडी की तरफ से स्पॉन्सर्ड हो उनमें आपकी प्रेजेंटेशन, 2 में पेपर प्रेजेंटेशन हो चुकी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपका रेगुलर मोड में पीएचडी चाहिए, ठीक है, बाकी कुछ कंडीशन और भी हैं, वो कंडीशन आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो ये अकॉर्डिंग टू चाहिए, क्योंकि ऑप्शन आना है, आपकी पीएचडी की एलिजिबिलिटी तब बनेगी, नहीं अदरवाइज, ये इसलिए बता रहा हूं कि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं वो ये वेरिफिकेशन होनी है कि आपकी कंडीशन अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 2009 है। और मैंने आपको सुजेस्ट किया था कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनता है जिस यूनिवर्सिटी से आपने एमफिल जहां पीएचडी की हुई है वहां से कंप्लायंस सर्टिफिकेट होता है, जिसमें ये सारी कंडीशन लिखी होती है, यूनिवर्सिटी खुद अटेस्ट कर देती है, हायर अथॉरिटी अपनी सील लगा देती है, सिग्नेचर हो जाते हैं कि हाँ जी ये पिछली बातें पिछली वीडियो में डिटेल में की हुई हैं। ओके, इन केस ऑफ CGPA, cumulative grade point average, leave marks obtained and marks, leave marks obtained, CGPA A B C D, है ना, ऐसे कुछ फिल करना है, मार्क्स वाला लीव कर दो, मैक्सिमम मार्क्स वाला लीव कर दो, ब्लैंक छोड़ दो उसको, और एंटर CGPA, ओके, परसेंटेज मार्क्स एंड अटैच कन्वर्जन फार्मूला इन दी हार्ड कॉपी। आपका जो CGPA होगा, मोस्ट यूनिवर्सिटी अब CGPA ही देती है, उसके बैक पर कन्वर्जन का फार्मूला होगा, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेड का कितने परसेंट की रेंज है, इतने परसेंट से जी इतने परसेंट की रेंज है, इसका कलर बदल लें, ये वाला ये, ओके, इतने परसेंट से इतने परसेंट की रेंज है, वो रेंज की आपको फोटोकॉपी साथ में अटैच करनी होगी, जिससे हम कन्वर्ज कर सकते हैं ग्रेड को परसेंटेज में, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक। सेकंड है, इन केस ऑफ पीएचडी लीव CGPA, आगे जो फिल करना है CGPA नहीं फिल करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन नहीं फिल करेंगे, मार्क्स मैक्सिमम वो नहीं फिल करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, एंटर परसेंटेज एज जीरो, ये डायरेक्शन दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, ये सबसे पहले यहां से आपने पहले सबसे मैट्रिकुलेशन को सिलेक्ट कीजिए, ठीक है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन ये आ गया, पास्ट बोर्ड अपना आप टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली, जो भी आपका है, ठीक। ईयर किसमें आपने 10th पास की है वो फिल कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो पढ़े हैं सारे यहाँ टाइप करने होंगे, CGPA अगर है, ठीक है, अगर है तो ये नहीं फिल होगा, अगर मार्क्स है तो ये नहीं फिल होंगे, मार्क्स ऑब्टेंड आपने फॉर एग्जांपल मैंने फिल किए हैं, मैंने 300 मान लीजिए यहाँ फिल कर दिया, ये रहा 300, ये ओके, कितने में से आए हैं यहां पर मैक्सिमम मार्क्स, ये पता है आपको, सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स खुद कैलकुलेट हो जाने हैं, जैसे ये देखिए यहां पर 600 आ गए, तो यहां क्लिक किया, ये 50% मेरे मार्क्स, ओके, डिवीजन कौन सी है, सेकंड, ओके, मोड ऑफ एग्जाम पास, मोड कौन सा था मेरा, रेगुलर है, अगर आपका ओपन है या डिस्टेंस है, को जो भी मोड है, रेगू, तो ये हो गया, ये सारा फिल करके यहाँ आप ऐड को क्लिक करोगे, ऐड को क्लिक करके ये एंट्री यहाँ आपकी आ जाएगी, आपने वेरीफाई फिर से कर लेना है, इसके बाद फिल करने के बाद फिर आपने जाना है नेक्स्ट, प्लस टू का फिल करना है, ये प्लस टू का फिल कीजिए, सारी डिटेल ऐसे ही फिल करोगे आप, ठीक, और इसके बाद ग्रेजुएशन का है फिर वो फिल करोगे, यहां आ जाएगा, ठीक, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का है,
ये देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन का मेरी एमएड है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 2016 में एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल रिसर्च सोशियोलॉजी। जो मार्क्स हैं मेरे ऑब्टेंड टोटल मार्क्स कितनी परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन रेगुलर मोड में से, वो इन्फॉर्मेशन रिपीट होनी है। सिर्फ एक बात आपको लर्न करनी है कि अगर पीएचडी है, एजुकेशन है, ये यूनिवर्सिटी भी आ गई किस ईयर में, ये भी साथ है, कौन से डिसिप्लिन में की है, एजुकेशन में की है, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, वो वहां फिल हो गया। CGPA यहां नहीं आएगा। ये बातें देख लीजिए क्या क्या आना है, यहां पर नोट कर सकते हैं आप। CGPA मेरा कोई नहीं था, ये भी पीएचडी का CGPA नहीं है, ये छोड़ दिया। पीएचडी के मार्क्स नहीं होते, इसको छोड़ देना है। ओके, मैक्सिमम मार्क्स भी नहीं होंगे, ये भी छोड़ देंगे, परसेंटेज भी नहीं होगी वहां, जीरो फिल करने के लिए उन्होंने कहा है, जीरो फिल कर दिया था, ठीक। और ए ग्रेड मैंने लिखा है, अगर ग्रेड कोई है, डिवीजन है, वो फिल करना पड़ेगा, वो आप अपनी डिग्री पर देख लीजिए, और आपने डिस्टेंस या रेगुलर से की है वो फिल करना पड़ेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है। यहां पर आपकी डिटेल्स वो जो आ गई हैं इसको रीचेक कर लीजिए, मेरिट में ये इसकी मतलब जरूरत पड़ सकती है, ठीक। इसके बाद आपके पर्टिकुलर्स हैविंग पास्ड नेट सेलेक्ट और सेट, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, नेम ऑफ द टेस्ट, फॉर एग्जांपल मेरा ये था, बड़े अक्षर में लिखूंगा NAET, ओके, पूरा फिल कर सकते हैं आप, UGC नेट लिख सकते हैं। नेट हो गया, कौन से मंथ में किया था, ठीक है, जनवरी में, ओके, ईयर कौन सा था, 2000 जितना भी, ओके, रोल नंबर यहां फिल करना होगा आपको, ठीक। रोल नंबर मैंने जहां जैसे ये कर दिया 1 2 3 4 5 6, ओके, आप अपना रोल नंबर फिल कर दीजिए। तो ये आप यहां क्लिक करोगे, यहां क्लिक करते हो ये, ओके, तो ये अगर आपका कुछ मिस है तो यहां ऑप्शन आ जाएगी सेलेक्ट मंथ और ईयर। फॉर एग्जांपल ये मैंने मंथ नहीं किया, यहां ओके करके वापस करके, यहां मान लीजिए मैंने जनवरी फिल कर दिया है, यहां ईयर कोई भी सभी ले लूं, यहां पर 14 फिल कर दिया है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं ये चीज आपके सामने आ जाएगी, ये सारी यहां जब ऐड को क्लिक करोगे यहां, ठीक, ये क्यों नहीं आ रही, अच्छा आ गई भी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जब ऐड करोगे वो ऐड होती जाएगी। ये मेरी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले से फिल करके रखी थी इसलिए मुझे जरूरत नहीं है ये मेरी, इसलिए यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है, डिलीट कर दीजिए, ये जरूरत है। आर यू श्योर टू डिलीट, यस मैं श्योर हूँ, क्योंकि दो बार लिखी गई है इसलिए श्योर हूँ, फिर डिलीट श्योर होंगी। तो इस तरह से आप अपने नेट की इन्फॉर्मेशन डिटेल में फिल करोगे, वेरी इजी है। टीचिंग एक्सपीरियंस, आप अपने कॉलेज का नाम फिल करते हो, जैसे मैंने DAV कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ लिखा है, DAV कॉलेज जलंधर लिखा है। अच्छा ये बात जरूरी है, यहाँ पर ये फिल करके बताता हूँ, ये प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। ये आपको ऑप्शन दी गई है DD/MM/YYYY, इतने डिजिट और इतनी चाहिए, अदरवाइज ये उठाएगा नहीं, ये आपको एरर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक, ये रहा 1/7/2018 फिल किया है, तो ये एरर वाला है, ये अब्लीक ठीक है, इसमें हाइफन नहीं चलेगा, ये अब्लीक ऐसे ही चलेगा। ये इसको क्योंकि DD दो लिखे हैं, यहां टू डिजिट चाहिए, एक है तो इसके आगे मैं जीरो लगा रहा हूं, ये लगा दी मैंने जीरो, ये ठीक हो गया, ठीक है। अब 7 के आगे जीरो नहीं लगाई ना, तो ये एरर देगा जब भी मैं फिल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल बाकी चीजें फिल कर देता हूँ, ये आपको बताता हूँ, ओके, जीरो, ये ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर दो डिजिट चाहिए, 01 है, ठीक है। यहां पर 07 करूंगा, ये 07 कर देता हूं, यहां पर जाके 07, अब ये क्लियर हो गया, यहां फोकस करके दिखा दूंगा। अगर अकेला लिखता हूं तो वो फिर उठाएगा नहीं, गलती होगी, ठीक। ऐसे ही इधर भी क्या रखना है, 30, ये मैंने जानबूझ के 06 नहीं लिखा, ये बताने के लिए एरर यहां हो जाती है। पोजीशन कौन सी है, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल गेस्ट फैकल्टी, मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल लिख दिया। एक्सपीरियंस कितना हुआ, मैंने 2 साल जैसे फिल कर दिया है, 2 साल बना है मेरा जी, ये रहा 2 और ये रहा ईयर, ओके,
पूरा लिखना है आपने। रिमार्क्स मैंने ये लिखा है कि मेरा मेरी रिफ्लेक्टिव टीचिंग है, मेरा रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंस है, ठीक है। रिमार्क्स आप कोई भी जो आपको सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉइंट है, वो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया फॉर एग्जाम्पल री, ओके, यहाँ पर ऐड किया। अब ये ऑप्शन देगा एंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, ये रह गया मिस, जो भी मिस है वो बताएगा आपको। ये रहा यहाँ, ये रहा नेम ऑफ द एम्प्लॉयर डीएवी, फॉर एग्जांपल डीएवी, डीएवी कॉलेज आ गया। अब यहाँ क्लिक करेंगे टू डेट इज नॉट वैलिड, क्या है ये टू, यहाँ पर बताता हूँ ऐसे, ये वाला टू डेट, और ये भी ये वाला लेता हूँ, ये वाला टू डेट, ये फ्रॉम डेट है। क्या गलती क्या की है, ये ब्रीक वाला लेके बताता हूँ। ये गलती मैंने क्या की, यहाँ सिक्स के में एक सिक्स लिखा है, यहाँ आएगी जीरो, क्योंकि वहां उन्होंने कहा है डी डी एम एम, ये एम एम मीन मंथ, आप दोनों डिजिट डालोगे। अगर मैं अकेला सिक्स डालता हूं, यहां सिक्स डाला है तो वो एरर दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहां उड़ा के आपके सामने ये जीरो डाल दूंगा, ये रही ए, कहां गई जीरो, ठीक है। अब एरर नहीं है, आएगी आप देखना। ऐड कर रहा हूं, देखिए ऐड हो गया डीएवी, ये डेटा की सब कुछ आ गया, क्लियर है। तो ये मैंने पहले से फिल कर रखा है आपको दिखाने के लिए, ये अब आपके सामने फिल किया है। अब इसको डिलीट करना हूं, डबल इंफॉर्मेशन है, पूछ रहा है कि आर यू श्योर, यस आई एम श्योर, मैं डिलीट करना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं, तो ये सेव की ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आप प्रीवियस जिप पर जाना चाहते हो, कैंसिल कुछ करना चाहते हो, मैं सेव करना चाहता हूं, कुछ डरने की बात नहीं है। आप क्लियरली सबमिशन से पहले जो जैसे मर्जी खेलिए इसके साथ पर धक धक करता है दिल, क्योंकि जॉब का सवाल है। ओके, आई हियर बाय सॉल्मनली डिक्लेयर दैट ऑल द एंट्रीज इन दिस फॉर्म आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। आई अंडरटेक दैट एनी मटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन और अमिशन मेड रेंडर्ड मी लायबल टू टर्मिनेशन और डिसमिसल। आप ये देख लीजिए, दो बातें हैं कि आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी, गलती नहीं, रीचेक कीजिए, क्रॉस चेकिंग करिए, ब्रदर सिस्टर हस्बैंड वाइफ किसी को साथ में बिठा के डॉक्यूमेंट साथ रख के एक बार वेरीफाई करवा लीजिए। दूसरी बात, हर हालत में इसका प्रिंट लेना है, रजिस्ट्रेशन का, पासवर्ड का और इसका, ये पहले बातें बता चुका हूं, प्रिंट लेना है। बाद में सबमिशन के बाद या 8 तारीख के बाद किसी ने आपकी सुनवाई नहीं करनी, कोई ऑफिस में नहीं जा सकता, कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ये पहले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक। तो यहां पर आप सारे इसके फोटो भी बेशक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेशक इसका प्रिंट ले लीजिए, ये यहां हर हालत में आपको सेफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेस रह गया, जलंधर फिल कर दिया, जे ए एल, ओके पूरा फिल कर देंगे, टाइम बचा रहे हैं। ओके नेक्स्ट आ गया आपका के टिक हेयर, हाँ मैं एग्री कर रहा हूं इस स्टेटमेंट के साथ, मैं एग्री कर रहा हूं, मेरी डिक्लेरेशन है। यहां पर इंफॉर्मेशन चेक करनी, चेक कर सकते हो। अच्छा, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहां क्लिक करने हैं, चूज फाइल। अच्छा नेक्स्ट, ये सिग्नेचर आपने अपलोड लास्ट में करने हैं, जब सारा कुछ आपने देख लिया है कि आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है, आपने उसके प्रिंट ले लिए हैं, आपका पासवर्ड आपने सेव कर लिया है, और आपने जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, ये सारा कुछ आपके पास आ गया है, ये अपलोड करने हैं। ये अपलोड करने की एक लिमिटेशन है, मैक्सिमम साइज अलाउड 100 KB, 100 KB से अधिक आपकी ये सिग्नेचर वाली इमेज नहीं होनी चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे एक पेज पर मैंने ये सिग्नेचर कर लिए हैं, ये सिग्नेचर कर लिए, उस पर आप, मैंने जैसे किया है वैसे बता देता हूं, और एक ये सीधी फोटो क्लिक की है उसकी, ये रही उसकी फोटो, मान लीजिए ये क्लिक कर ली, फोटो क्लिक करने के बाद ये फोटो मेरे पास आ गई, इमेज आ गई, हाँ ये फोटो आ गई ना, दिखाई दे रहा है तीरथ सिंह लिखा है। तो ये एक बटन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये इसे शायद गूगल क्रॉप कहते हैं, ये वाला, एक मिनट ये देखिए, ये वाला, ठीक है, इसको मैं अब प्रेस करूँगा आपके सामने, एक मिनट नज़दीक जाके प्रेस करता हूँ, ये किया। ये करने के बाद आप इसको, इसका साइज छोटा कर सकते हो, ये देखिए ऐसे, ठीक है,
ऐसे। ये साइज छोटा करने के बाद इसको आप यहां पर सेव होगा, सेव कर लीजिए, ये सेव कर लिया। ठीक, सेव करने के बाद आप, मैंने क्या किया, मैंने इसको अपनी ईमेल एड्रेस पर भेज दिया, ये यहां पर मैंने इसकी ईमेल कर दी और ईमेल को यहां गया। ठीक है, यहां पर इसे डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड हो गया, ओपन करके डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होके ये मैं चला गया शो इन फोल्डर, जिस फोल्डर में वो पड़ी है मेरी इमेज। ठीक है, ये सिग्नेचर वाली कहाँ गई भाई, ये हाँ ये डाउनलोड में आ गए ना, ये मेरे सिग्नेचर पड़े हैं जो मैंने ईमेल से यहाँ डाउनलोड कर लिए हैं। ठीक है, उनको नाम सिग्नेचर दे लिया है। अब मैं जा रहा हूं वापस, कैसे जाना है वापस, यहां से मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करने के बाद अपने पोर्टल पर गया, पोर्टल पर यहां ये लिखा है चूज फाइल, नो फाइल चूजन, ओके ये चूज फाइल, ये मेरा ओपन हो गया। अगर डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड पहले से ही डाउनलोड में गया है, और ये रहे मेरे, ये मेरे सिग्नेचर जो इसको मैंने क्लिक किया। ठीक, और यहाँ ओपन पर क्लिक किया और ये मेरे सिग्नेचर आ गए, ये देखिए तीरथ सिंह। ठीक, तो ऐसे आपने ये सारा फिल कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू, सारा कुछ हो गया है। अब आपका सारा कुछ सेव हो जाएगा, प्रीव्यू मीन आप सबमिट करने से पहले, ओके यहां पर अगर प्रीव्यू एंड लॉक करना है, आपकी फोटो है, आपकी फोटो नहीं सोनी होगी, ये मेरे पिंजर की फोटो है। ठीक, यहां पर इंफॉर्मेशन चेक करनी है, कोई मैंने ये फील्ड नहीं किया, इसका प्रिंट ले लेना है, क्रॉस चेकिंग कर लेनी है, सारा आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। प्रीव्यू मिलने के बाद आप यहां जाते हो लॉक एंड पे प्रोसेसिंग फी, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैंसिल। ठीक है, मैं इसको लॉक करने लगा हूं, लॉक एंड पे प्रोसेसिंग फीस, ये मैंने लॉक कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द रजिस्ट्रेशन फॉर्म वंस लॉक्ड, चेंज एडिटिंग इज नॉट अलाउड। यहां पर आप केयरफुली देख लीजिए कि आपने कोई गलती तो नहीं की, क्रॉस चेकिंग फ्रिक्वेंटली कर ली है, एक दिन दो दिन अभी दिन है, आप लगा सकते हो। अगर इसको मैं ओके कर देता हूं तो मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन फिर चेंज या एडिट नहीं हो सकती। आपको फिर अगर गलती का एहसास होता है, आपने प्रिंट लिया है उससे पता चलता है, तो आपको नया फॉर्म फिल से फ्रेश फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फिर दोबारा फीस देनी पड़ेगी और सारा कुछ आपको शुरू से दोबारा फिल करना पड़ेगा। सो यहां तक है, यहां तक इसको करता हूं, समाप्त करता हूं। अगर इस यहां तक कोई क्वायरी है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो लंबा हो गया होगा। थैंक यू जुड़े रहने के लिए, बेस्ट विशेज़।